नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि निकॉन D5300 में जो है हम लोग बस्ट मोड पे शूटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बस्ट मोड का मतलब होता है कि आप कंटिन्यूस एक ही चीज़ का फ़ोटो लेने चाहते हैं और एक ही बार बटन आपको प्रेस करना होता है, आपका फ़ोटो कंटिन्यूस आता रहता है उसके अलग अलग पोजिशन में। सपोज़ कीजिए, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ एक्शन कर रही है, कोई हमारा जानवर बैठा है या तितली उड़ रही है या कुछ भी चीज़ जो हल्की मूविंग है और उसको हम कैप्चर करना चाहते हैं अपने कैमरे में उसके अलग अलग मूवमेंट्स को, तो उसके लिए हम बस्ट मोड को यूज़ कर लेते हैं और वही सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बस्ट मोड में हम लोग फोटोग्राफी जो है कैसे करते हैं और उसके लिए सेटिंग हमको क्या क्या करनी पड़ती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो उनको आगे आने वाली वीडियो भी मिलते रहेंगे और जो पिछले वीडियो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं, ये है मेरा निकॉन D5300 और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमको बस्ट मोड सेटिंग यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों, इसका मैं सबसे पहले लाइव व्यू ऑन कर लेता हूँ। ये मेरा दोस्तों लाइव व्यू ऑन हो गया है। अब भी आप बस्ट मोड यूज़ करने के दोस्तों कैमरे में दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप मेनू के थ्रू वहाँ पे जाइए, रिलीज मोड्स का सेलेक्ट कीजिए, और दूसरा इसमें एक शॉर्टकट दिया गया है कैमरे में, उसको भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इसके मेनू को प्रेस कर दीजिए। पहले फर्स्ट तरीका आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप शूटिंग मेनू देख रहे हैं इसमें आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप देखेंगे रिलीज मोड सामने लिखा हुआ है। रिलीज मोड अभी मेरा जो है एल में सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रिलीज मोड है। ये रिलीज मोड में मैंने एल में सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको ओके करूँगा। यहाँ पे आपको दिखेंगे, देखिए एस दिखेगा, एल दिखेगा और एच दिखेगा। तो पहले मैं आपको लो मोड पे लो फोटोग्राफी कैसे करनी है, मतलब लो स्पीड में फोटोग्राफी कैसे होगी वो आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम एल सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा रिलीज मोड यहाँ पे एल पे आ गया। अभी हम वापस मेनू में जाएंगे और इसका अभी मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्टकट क्या है हमारे कैमरे में दिया हुआ। शॉर्टकट भी इस कैमरे में दिया हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे आपको तीन चार बटन दिख रहे होंगे ये। तो इसमें जो आप यहाँ पे देखेंगे टाइमर का बटन बना हुआ है, टाइमर का आइकॉन है, रिमोट का आइकॉन उसके पास में है और ये जो फ्रेम वाला आइकॉन एक बना हुआ है इसको ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों, ये जो फ्रेम वाला आइकॉन बना हुआ है इसको हमको प्रेस करना है। इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर हमारे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसको मैंने एक बार यहाँ पर प्रेस कर दिया, इसको प्रेस किया तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देखिए सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। अभी ये सारे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे आ गए हैं अभी। तो यहाँ पे आप एस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका जो डायल यहाँ पे दिया हो गया है रिमूव रोटेटिंग डायल जो है, इसे हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, एस सेलेक्ट कर सकते हैं, एल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एच भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको एच एल पे लो स्पीड पे फोटोग्राफी करके दिखाऊंगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने L को सेलेक्ट किया। अभी सामने देखेंगे आप दोस्तों मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मैं आपको फ़ोटो लेके दिखाऊंगा कंटिन्यूस L मोड पे। फर्स्टली आपको जो है अपना जो रिलीज बटन जो है उसको आपको हाफ प्रेस करना है। हाफ प्रेस करेंगे ये आपको ग्रीन इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप फिर फुल प्रेस कर दीजिएगा। आप देखेंगे शटर स्पीड मेरा 1 सेकेंड का है, तो मेरा शटर जो है 1 सेकंड तक खुला रहेगा और उस पर आपको फोटोग्राफी करके दिखाता हूँ मैं आपको। यह मैं बटन फुल प्रेस कर रहा हूँ अभी, ये देखिए स्लो स्पीड में मेरा कैमरा जो है फोटोग्राफी करता जाएगा इसी चीज़ की। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये स्लो स्पीड में आपको फोटो लेके दिखाए हैं, इसके कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको फिर से जो है यही जो हमने बटन प्रेस किया था बाहर उसको ही प्रेस करना है, या मेनू से भी डायरेक्ट जा सकते हैं आप। यहाँ पे भी हम एच सेलेक्ट करेंगे, तो एच जब सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों इसमें हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम लोग हाई स्पीड इसकी सेलेक्ट करते हैं तो हमारी इसकी शटर स्पीड जो है वो भी जो है पूरी हाई होनी चाहिए। तो अभी मेरी कम थी शटर स्पीड, अब मैं शटर स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। आप जैसे देखेंगे ये शटर स्पीड मेरी बढ़ती जा रही है 1/4, मैं इसको कंटिन्यू बढ़ाऊँगा, काफ़ी बढ़ाऊँगा। इस कैमरे में मैं 1/4000 सेकेंड तक इसकी शटर स्पीड कर सकते हैं, मतलब 1 सेकेंड के 4000वें हिस्से में जो है इसका शटर जो है अपने आप खुलेगा और बंद होगा, वो इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड मैं इसको लेके आ गया हूँ।
दोस्तों यहाँ पे मेरा कैमरा जो है अभी मैं इसको इसकी ISO भी चेंज थोड़ी करूँगा, क्योंकि हाई स्पीड में जब हम लोग शूटिंग करते हैं तो हमारा कैमरे का शटर जो है बहुत कम सेकंड के लिए खुलता है, तो उसमें लाइट जो है बहुत कम टाइम के लिए हमारे कैमरे के लेंस पे पड़ती है, मिरर पे। तो उसके लिए हमको ISO जो है थोड़ी बड़ी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हमारा फोटो जो है डल आता है इसमें। तो ISO बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये जो आप देखेंगे सामने आई का बटन दिया हुआ है, ये आई आइकॉन में प्रेस करूँगा। ये मेरा अभी 100 पे ISO सेलेक्ट है, ये आप देखेंगे यहाँ पे 100 पे ये सेलेक्ट है ISO। इसको मैं यहाँ से ओके के बटन यहाँ पे ओके है, इस ओके को प्रेस करूँगा, दबाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे बढ़ा के लेके जाऊँगा ISO को, क्योंकि अगर मैं ISO नहीं बढ़ाता हूँ तो मेरा फ़ोटो जो है डल हो जाएगा, डार्क फोटो आएगा। या तो आप बाहर लाइट में, क्योंकि मैं समय कमरे में बैठा हूँ तो मेरे को ISO बढ़ानी पड़ेगी। ISO आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, जैसे आप माहौल में बैठे, अगर आप बाहर शूटिंग कर रहे हैं सनलाइट काफ़ी है तो ISO आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको 10,000 मैंने ISO ओके कर दिया है। फिर से बैक जाने के लिए इस पर जाता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये मेरा आज HP सेलेक्ट किया हुआ है हाई स्पीड पे। तो अब मैं इसको कंटिन्यू, सबसे पहले मैंने इसको हाफ प्रेस किया, अब मैं इसको कंटिन्यूस एक बार प्रेस करूँगा, कंटिन्यू हाई स्पीड पे फ़ोटो लेगा, ये देखिएगा, ये देखिए कंटिन्यू फ़ोटो लेता जाएगा दोस्तों, ये कंटिन्यूस ने फ़ोटो लिए। अब देखते हैं कि क्वालिटी कैसी आई है, ये देखिए ये फोटोग्राफी आई है मेरी इसकी कंटिन्यूस हाई स्पीड पे। ये देखिए मैं कमरे में बैठा हूँ तो लाइट यहाँ पे कम आ रही है, इसलिए मैंने इसका ISO बढ़ाया। अगर आप बाहर बैठे होंगे, बाहर कहीं फोटोग्राफी कर रहे हैं, आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आपको ISO इतनी ज़्यादा बढ़ानी नहीं पड़ेगी, ISO आप कम रखेंगे तो भी चलेगा। आप ISO अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, पहले आप चेक कर लीजिए ISO जितने पे आपका फोटो सेट सही आता है उतनी ISO सेट करके रखिए, उसके हिसाब से आप कंटिन्यूस हाई या लो स्पीड पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दिखाया हाई स्पीड में फ़ोटोग्राफी कैसे करनी है और लो स्पीड में फ़ोटोग्राफी कैसे करनी है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और भी आती है कि आपने कंटिन्यूस हाई पे तो सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन आपकी उसमें भी शटर स्पीड जो है स्लो रहेगी, आपकी फ़ोटोग्राफी स्लो आ सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले मैं इसको लाइव व्यू कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं अपनी शटर स्पीड इसकी स्लो करूँगा, शटर स्पीड स्लो करूँगा और कंटिन्यूस मोड उसका हाई पे ही सेलेक्ट करके रखूँगा, तो भी इसकी शटर स्पीड जो है हमको स्लो ही मिलेगी, कंटिन्यूस हाई पे भी स्लो फोटोग्राफी करके हमको ये कैमरा दिखाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने आगे का ये बटन प्रेस किया है, यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यू HP सेलेक्ट है, इसको मैं फिर से ओके कर दे रहा हूँ, ये मैंने ओके कर दिया और शटर स्पीड मैं इसके भी कम कर रहा हूँ। इसको मैं लेके जाऊँगा 1 सेकेंड पे, मतलब हमारा कैमरे का शटर जो है 1 सेकेंड तक पूरा खुला रहेगा और हर 1 सेकेंड में जो है एक फ़ोटोग्राफ हमारा फ़ोटो लेगा ये कैमरा। तो ये मैंने ये दोस्तों अभी देखिए 1 सेकेंड आ गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 1 सेकेंड आ गया है, 1 सेकेंड पे हमारा हर 1 सेकेंड पे शटर खुलेगा, बंद होगा, फोटोग्राफी हमारी कंटिन्यूस रहेगी हाई स्पीड हाई मोड में, कंटिन्यूस हाई पे वो भी स्लो स्पीड में। तो यहाँ पे मैं इसका शटर हाफ प्रेस करता हूँ और मैं इसको फुल प्रेस करूँगा, ये देखिए हर 1 सेकेंड में अपने आप ही ये फोटोग्राफ कैमरा लेता जा रहा है हर 1 सेकेंड में। तो ये मैंने आपको दिखाया इसमें, अभी देखिए यहाँ पे जो है ये इसके फ़ोटोग्राफ आए हैं इस तरीके से। एक तो चीज़ होगी मैंने आपको बता दिया कि आपकी कंटिन्यूस हाई रखेंगे, शटर स्पीड लो रखेंगे तो भी आपकी फ़ोटोग्राफी कैमरा जो स्लो करेगा। दूसरा इसमें एक रीज़न और होता है, उसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसका आई बटन प्रेस करता हूँ, लाइव व्यू कर देते हैं, आई बटन प्रेस किया, यहाँ पे आप दूसरा जो चीज़ है इसमें इमेज क्वालिटी, दोस्तों हमारा जो इमेज का हम फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं वो इसका मेन डिपेंड बहुत डिपेंड करता है हमारी फ़ोटोग्राफी की स्पीड पे। तो यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल करके रखा है, इमेज क्वालिटी आप देख रहे हैं नॉर्मल है, इसको मैं ओके करूँगा। यहाँ पे इसके आपके काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहला मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ रॉ प्लस फाइन जो है, रॉ प्लस JPEG फाइन। इसमें हमारे क्या है, इमेज के साथ में एक रॉ फाइल भी बनता है, रॉ फाइल काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज होता है साइज में, जैसा कि आप देख रहे होंगे 46 MB आपको इसमें कैमरे में दिखा रहा है। तो 46 MB का फाइल को कैमरे को रीड करने में काफ़ी टाइम लगता है और उसको अगर आप किसी मीडिया प्लेयर में भी ओपन कर रहे हैं तो उसको खुलने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके साथ एक फोटो के साथ एक रॉ फाइल भी बनती है, साथ में रॉ इमेज साथ में बनती है, तो उसको खुलने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो जो है हमारा, तो भी हमारा शटर स्पीड एक बार के लिए
स्लो हो जाएगा, कुछ फोटो कंटिन्यूस लेगा लेकिन उसके बाद स्लो हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए अपने आप ये स्लो हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका फाइल जो था इमेज क्वालिटी इसका बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। तो दोस्तों दूसरा रीज़न ये है कि हमारी फोटोग्राफी की स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर हम कंटिन्यूस हाई भी रखेंगे तो भी हमारा फोटोग्राफी स्लो हो जाएगा कुछ फ़ोटो के बाद में, अगर हम इसका इमेज क्वालिटी रॉ प्लस फाइन रखेंगे, हाई क्वालिटी पर रखेंगे। तो इसलिए इसको मैं आपको, और अगर हम इसका बेसिक कर देंगे तो आपको स्लो शटर स्पीड में भी आपको फास्ट स्पीड मिलेगा लेकिन इमेज क्वालिटी बेटर नहीं आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसमें आप इसका जो है, ये जो आप देख रहे हैं JPEG फाइल, इसमें 15 MB का एक फाइल है, ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है, इसको कैमरा आराम से रीड भी कर लेता है, आप किसी भी प्लेयर में इसको ओपन कर सकते हैं। तो JPEG फाइन कीजिएगा, JPEG नॉर्मल कर लीजिएगा, इन दोनों में से एक सेलेक्ट कीजिएगा, आपको शटर स्पीड भी सही मिलेगा, फोटोग्राफी का क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, चाहे वो आपका स्लो में रहे, कंटिन्यूस स्लो में रहे या कंटिन्यूस हाई स्पीड में रखेंगे, तब भी आपको अच्छा फोटोग्राफी आपको मिलेगा। दोस्तों ये दो चीज़ों का ध्यान आपको जरूर रखना है। तीसरा चीज़ आपको ISO है, ISO आपको अपने हिसाब से मेंटेन करना है। आप किस माहौल में फोटोग्राफी कर रहे हैं, आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हैं या इनडोर फोटोग्राफी कर रहे हैं, और लाइट की अवेलेबिलिटी कैसी है वहाँ पे, उस पे आपका ISO आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने आप। यहाँ पे जो आई का बटन है, इस आई के बटन पे आप ISO पे जाइए, यहाँ पे ये ISO है, यहाँ पे अपना ISO आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो, मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मेरे को बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो जो है पहुँचता रहे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं अपने कैमरे के वीडियो जो है डालता रहता हूँ, कैमरे की सेटिंग से रिलेटेड, तो वो वीडियो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।